अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इटली की इमिग्रेशन के बारे में। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो YouTube पे डाली थी कि इटली की इमिग्रेशन ओपन होने लगी है, काफ़ी पार्टीज़ के पीछे पड़ी हुई हैं कि इमिग्रेशन ओपन करें। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि इटली की इमिग्रेशन बाकायदा तौर पर ओपन हो गई है। इटली के वज़ीर-ए-आज़म जुसेप्पे कोंते ने ख़िताब किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो इटली की इमिग्रेशन ओपन करने लगे हैं, मगर ये इमिग्रेशन जो पहले इमिग्रेशन होती रही है पास्ट में उसकी तरह बिल्कुल नहीं है, बहुत ही मुश्किल कानून इसमें आ गए हैं। और ये इमिग्रेशन बेसिकली जो एग्रीकल्चर है उस शोबे के लिए और डोमेस्टिक जो घरों का कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में ओपन हुई है, तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। एग्रीकल्चर में जो ज़राइत का काम है, उसके बाद जो फार्म का काम है, मछली फार्म हो गया या कोई भी जानवरों का फार्म, उसका आप कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जो घरों का डोमेस्टिक है, बेबी सीटर हो गया बच्चों को संभालने का, या कोई बूढ़े मजदूर हैं उनकी देखभाल का, या कोई घर में बीमार है उसकी देखभाल का, या फिर आप घर की सफाई करते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं किसी से भी। बहुत से पाकिस्तानी हैं जिनके पास अपना घर है तो, और उनका जो सालाना टैक्स वो देखा जाएगा कि वो कितना है, तो वो उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं। मगर आपको चाहिए जिसका आप कॉन्ट्रैक्ट लेंगे उसका करैक्टर साफ़ होना चाहिए, क्योंकि ये भी कानून नया आया है कि अगर उस बंदे पर कोई भी किसी किस्म का जुर्म हो या कोई भी जुर्माना आयद हो तो वो ये पेपर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो बंदा जिसने अप्लाई करने हैं पेपर, उस पर भी अगर किसी किस्म का कानूनन जुर्म हो, उसका करैक्टर साफ ना हो, या फिर वो इटली में आके उसने अजील अप्लाई की हो, सियासी पनाह जिसको कहते हैं, तो उसकी वो रिजेक्ट हो गई हो, उसको उन्होंने पेपर दिया हो कंट्री छोड़ने का, तो वो भी ये इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता। तो मुश्किल तो नहीं है, बेसिकली ये जो इमिग्रेशन ओपन हो रही है ये आपको 6 महीने के पेपर देंगे, 6 महीने के बाद आपको दोबारा कोई कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ के रीन्यू करवाने पड़ेंगे पेपर, और वो 2 साल के दे देंगे आपको। तो चांस तो बहुत बड़ा है, काफ़ी अरसे के बाद इमिग्रेशन ओपन हुई है। इटली की काफ़ी पार्टीज़ जो हैं इसके मुखालिफ थी कि इमिग्रेशन ओपन ना हो, मगर जो एग्रीकल्चर शोबे की वज़ीर है उसने काफ़ी शोर मचाया हुआ था कि इमिग्रेशन ओपन की जाए, हमारे पास लेबर नहीं है, तो उनकी बात सुनी गई है आज और इटली में इमिग्रेशन ओपन हुई है। इमिग्रेशन ओपन करने की डेट जो है वो 1 जून से 15 जुलाई तक ये उन्होंने अभी बताई है, मगर ये जो डन नहीं है, श्योर नहीं है कि ये यही होगी डेट, हो सकता है वो चेंज करें क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, हो सकता है ये डेट आगे भी जाए, मगर फ़िलहाल तो बताया जा रहा है कि 1 जून से 15 जुलाई तक आप पेपर अप्लाई कर सकेंगे। उसके अलावा इन्होंने ये सबूत क्या रखा है कि आपका मार्च 2020 उससे पहले इटली में इंटर होना लाजमी है, उसके बाद जो बंदे इंटर हुए हैं उनके पास अगर सबूत मौजूद नहीं है तो वो ये पेपर हासिल नहीं कर सकेंगे। तो उससे पहले भी जो लोग हैं उनके पास भी ये प्रूफ होना चाहिए कि वो इटली में मौजूद थे कभी, किसी जगह पर अगर उन्होंने अज़ील अप्लाई की हो, उनके फिंगर हुए हैं, या किसी जगह पे काम करते रहे हैं, इस तरह का सबूत होना चाहिए, या कोई डॉक्टरी टाइप का कि आपने किसी से इलाज करवाया था वो सबूत होना चाहिए। तो सबूत तो आप इजीली बनवा सकते हैं, चांस है आपके पास इमिग्रेशन हासिल करने का। जो ही इस इमिग्रेशन के कानून के बारे में कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो बना के डाल दूँगा कि कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन बंदा इस इमिग्रेशन को मैं पेपर अप्लाई कर सकता है। इमिग्रेशन के अलावा और भी इटली में जो भी न्यूज़ आती हैं, जैसे नए बोनस आए हैं उनकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा, वो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा इन दिनों में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।